देखिए हम लोग 2 दिन पहले ही हम लोग दे दिए थे दोस्तों मैदा फूलने के लिए, ये देखिए पूरा फूल गया है। तो चाशनी हम लोग का रेडी हो गया है दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम रावा रावा उठ गया। देखिए अभी कलर डला रहा है दोस्तों, देखिए चूल्हे में आ गया दोस्तों कलर। देखिए हम लोग का पहला जिलेबी बनना शुरू हो गया दोस्तों, ये देखिए पूरा लगे हुए हैं बनाने में। उधर पिताजी बनाते जा रहे हैं दोस्तों और हम इधर चाशनी में डुबाते जा रहे हैं। तो ये बढ़िया तरह से बन गया दोस्तों जिलेबी। और अभी दोस्तों लाइट कट गया है तो काफी दिक्कत हो रहा है। देखिए कितना अच्छा जिलेबी बना रहे हैं दोस्तों पिताजी। कैसा बन रहा है जी हम लोग का जिलेबी? बढ़िया बन रहा है ना। तो हम लोग का जिलेबी बन के रेडी हो गया है दोस्तों, देखिए पूरा थाली फूल हो गया है। तो पूरा परिवार एक जगह पे बैठे हुए हैं दोस्तों, अभी हम लोग सभी को जिलेबी का आनंद लेंगे। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डॉक्टर जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी दोपहर का समय है और अभी सावन का महीना चल ही रहा है दोस्तों, तो सोच रहे हैं कि ऐसा बारिश के मौसम में बनाते हैं गर्मा गर्म जिलेबी आज, है ना जी। पकौड़ी तो हम लोग डेली बना बना करके खा रहे हैं, जिलेबी हम लोग का ढेर दिन से नहीं बना हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम लोग जिलेबी बनाते हैं। और अभी का मौसम देखिए दोस्तों कैसा किया हुआ है, ये देखिए पूरा एकदम फ्रेश मौसम कर दिया है और पूरा एकदम हल्का हल्का सुहावनी हवा भी चल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है एकदम। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग बनाते हैं गर्मा गर्म जिलेबी। तो अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग चूल्हा वगैरह जलाते हैं। चलिए जी आग जलाते हैं अब। और इधर देखिए दोस्तों जिलेबी बनाने का सारा सामान यहाँ पर इकट्ठा कर लिए हैं चूल्हा के सामने। देखिए हम लोग 2 दिन पहले ही हम लोग दे दिए थे दोस्तों मैदा फूलने के लिए, ये देखिए पूरा फूल गया है और हल्का हल्का खट्टा भी हो गया है, इससे जिलेबी एकदम मस्त बनता है। और देखिए अब कविता जी शुरू करने जा रहे हैं चूल्हा जलाना। चलिए जलाइए जी, देखिए कविता जी क्या क्या तरकीब निकालते हैं आग जलाने के लिए। अभी फोम से जला रहे हैं, कभी प्लास्टिक से जलाते हैं। देखिए कितना अच्छा आग पकड़ रहा है, ये देखिए छोटा छोटा लकड़ी डाल ली है और अभी यहाँ पर फोम से आग जला रही है। देखिए इधर और भी लकड़ी रखा हुआ है दोस्तों छोटा छोटा, ये सब डाल दीजिए जी, बढ़िया जलेगा। तो आग हम लोग का जल गया दोस्तों, देखिए कितना अच्छा जल रहा है, पूरा सूखा सूखा लकड़ी लगा दिए है ना, तो बढ़िया जल रहा है। तो अब चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग चाशनी बनाते हैं जिलेबी के लिए। देखिए पानी वगैरह सब लेकर के आ गए हैं, अब इसको डालते हैं। एक लोटा पानी पूरा देंगे क्योंकि ज्यादा बनाना है ना। चीनी, अब चीनी डालेंगे इसमें। तो इतना सारा चीनी डाल दिए दोस्तों, ये देखिए अब मस्त चाशनी बनेगा, यानी इसको हम लोग गांव देहात में पाग भी बोलते हैं दोस्तों, चीनी का पाग। तो यहाँ तो सब कुछ डाल दिए हैं, अब चलते हैं चूल्हा में चढ़ाते हैं। अब तो कढ़ाही चढ़ा दिए हैं दोस्तों चूल्हा में और देखिए चीनी भी घुलना शुरू हो गया है, ये देखिए कितना जल्दी घुल गया। और 5-10 मिनट रहेगा ना तब पूरा एकदम हम लोग का चाशनी बन के रेडी हो जाएगा। और देखिए हम लोग का आग भी कितना मस्त जल रहा है दोस्तों, ये देखिए पूरा सूखा सूखा लकड़ी मिल गया ना तो अच्छा जल रहा है। इस तरह से चला चला करके पूरा एकदम मिलाते रहना पड़ता है दोस्तों। तो चाशनी हम लोग का रेडी हो गया है दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम रावा रावा उठ गया। पिताजी बोल रहे हैं कि रेडी हो गया है क्योंकि पिताजी ही बनाते हैं एकदम, एकदम इतना मस्त बनाते हैं ना पिताजी, एकदम खाने में मजा आ जाता है। और आज भी वही बनाएंगे, देखिए कितना ज़्यादा खोल रहा है दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम पानी का बुलबुला जैसा दिख रहा है। अब चलते हैं फटाफट इसको नीचे उतारते हैं। तो तेल वाला कढ़ाई को बढ़िया तरह से धो धा करके ले आए हैं दोस्तों, अब चलते हैं इसको चढ़ा देते हैं चूल्हा में और अब तेल डाल देते हैं। देखिए तेल कितना मस्त है एकदम, पूरा फरिया पानी जैसा दिख रहा है। तो देखिए तेल गरम हो गया है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों जिलेबी बनाने की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे हम लोग कलर वगैरह, ये देखिए कैसा हो गया है, पूरा बोट बोटा आ गया है क्या पिताजी? बढ़िया बनेगा ना। देखिए अभी कलर डला रहा है दोस्तों, बस बस बस
एक बार हम लोग बालूसाही बनाए थे दोस्तों, आप लोग पुराने व्यूअर्स होंगे तो उन लोग को पता होगा कितना मस्त कलर आ गया था एकदम, खाने में भी पूरा मजा आ गया था। वही पिताजी ही बनाए थे, वही कलर होगा। अच्छा वही कलर है ना, देखिए चूनी में आ गया दोस्तों कलर, ये देखिए पूरा एकदम गुलाबी टाइप का दिख रहा है। और देखिए घोल कितना मस्त बन गया, इसमें और डालना पड़ेगा मैदा, ये हो जाएगा। देखिए कितना व्हाइट है एकदम, ये मैदा है इसलिए है क्या। तो हम लोग का जिलेबी का घोल रेडी हो गया है दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम लार जैसा गिर रहा है। तो घोल भी रेडी हो ही गया है दोस्तों जिलेबी बनाने के लिए, अब हम लोग का बनेगा गर्मा गर्म जिलेबी, क्या पिताजी। चलिए शुरुआत कीजिए, चलो लक्ष्मी साइड हो। देखिए अभी डालने जा रहे हैं प्लास्टिक में, यहाँ पर डाल लेंगे उसके बाद में बनाएंगे एकदम। ये देखिए तो प्लास्टिक में डाल लिए दोस्तों घोल को, अब बनाने जा रहे हैं जिलेबी। चलिए पिताजी पहले अग्निदेव को ना, देखिए हम लोग का पहला जिलेबी बनना शुरू हो गया दोस्तों। ये देखिए पिताजी कितना अच्छा गोल गोल बना रहे हैं, देखिए क्या ही मस्त बन गया एकदम, नहीं छूट रहा है क्या पिताजी। थोड़ा सा घुस जाता है इसलिए फंस जा रहा है, छोड़ा दें। देखिए ये वाला थोड़ा सा जल गया दोस्तों, ये देखिए काला हो गया, इसको साइड कर दीजिए ना, इसको साइड ही कर दीजिए, बस छोटा छोटा बनाइए ना, एकदम एक नंबर ही वाला बना। चलिए इसी तरह से फटाफट बनाइए, कमे कमे दीजिए, जलेगा नहीं वैसे में। डालिए ये वाला, निकालिए, हम इधर चाशनी में डुबाते जाते हैं दोस्तों। देखिए पूरा रास्ता एकदम घुस जा रहा है, उधर पिताजी बनाते जा रहे हैं दोस्तों और हम इधर चाशनी में डुबाते जा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा जिलेबी बन रहा है, अब इसको पलट पलट करके बढ़िया तरह से इसको चाशनी में डुबाएंगे। तो ये बढ़िया तरह से बन गया दोस्तों जिलेबी, अब इसको उठा देते हैं। तो एक बार निकाल करके रख दिए हैं दोस्तों थाली में, और दूसरा बार डुबाने जा रहे हैं। देखिए पिताजी डाल दिए, अब ये तीनों को निकाल देते हैं। और अभी दोस्तों लाइट कट गया है तो काफी दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से पूरा एकदम बना रहे हैं पिताजी जिलेबी को। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा उसी के चलते हो जा रहा है, नहीं दिखता है ना क्या पिताजी। इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। देखिए अभी तक लाइट नहीं आया है दोस्तों, पूरा एकदम अंधेरा लग रहा है। और देखिए हम लोग इतना जिलेबी बना लिए हैं, और इधर देखिए लक्ष्मी को अभी खाते जा रही है, साइड होकर के खाओ लक्ष्मी। और देखिए हम लोग को इतना बचा हुआ है दोस्तों, देखिए यही बनाना है उसके बाद में खत्म हो जाएगा क्या पिताजी। देखिए कितना अच्छा जिलेबी बना रहे हैं दोस्तों पिताजी, ये देखिए पूरा एकदम गोले गोल बना रहे हैं एकदम सुंदर सुंदर, और कलर भी कितना अच्छा लग रहा है एकदम देखने में। ये देखिए पूरा लगे हुए हैं बनाने में, छोटा छोटा ही बन रहा है लेकिन मस्त बन रहा है एकदम। अब इसको डालेंगे चाशनी में, और इसको पूरा एकदम उलट पलट करके चाशनी में पूरा एकदम घुमा देंगे। आग वगैरह जला दीजिए जी, पूरा एकदम ताव दीजिए, जल्दी जल्दी बनेगा पूरा ताव। हाँ कैसा बन रहा है जी हम लोग का जिलेबी, बढ़िया बन रहा है ना। चलिए कविता जी को पूरा पसंद आ रहा है, और देखिए इधर लक्ष्मी को कितना ज्यादा खुश है एकदम, क्या लक्ष्मी। तो हम लोग का जिलेबी बन के रेडी हो गया है दोस्तों, देखिए पूरा थाली फूल हो गया है, और तो हम लोग का कुछ बाकी है नहीं दोस्तों, अब चलते हैं कढ़ाई को उतार देते हैं। कौन चूल्हो, अभी इसको इधर ही रख देते हैं, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद में अंदर घुसा देंगे। चलिए ढक्कन ढक दीजिए, और देखिए हम लोग का चाशनी भी खत्म हो गया दोस्तों, अब थोड़ा सा बचा हुआ है।
हम लोग का ले दे करके हो गया सब चीज। चलिए सब काम कंप्लीट हो गया, लाइए जी एक ठो थाली। हाँ। अब हम लोग सब कोई खाएंगे। इसमें आधा कर लेते हैं। हो जाएगा। तो पूरा परिवार एक जगह पे बैठे हुए हैं दोस्तों, अभी हम लोग सभी को जिलेबी का आनंद लेंगे। चलिए माँ शुरू कीजिए खाना। खा रहे लीजिए पिताजी। लो लक्ष्मी नहीं खाएगी, लक्ष्मी नहीं खाएगी। अच्छा ना तो चलिए पहले टेस्ट कीजिए। अब चलते हैं दोस्तों, टेस्ट करते हैं कैसा बना है हम लोग का जिलेबी। बड़ा जोर रस है एकदम। पूरा लेकिन एकदम मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है जी? बढ़िया लग रहा है ना? पूरा रसदार जिलेबी बना हुआ है दोस्तों, काफी मजा आया खाने में एकदम। देखिए कितना अच्छा पका हुआ है एकदम। तो जिलेबी तो हम लोग खा लिए दोस्तों, और अभी हम लोग का खाना पीना भी बन गया है, तो अब हम लोग चलते हैं खाना पीना खाते हैं। देखिए आज बना हुआ है हम लोग का तड़का और भात। देखिए इधर कविता जी भी खाना निकाल लिए हैं, आइए जी खाइए इधर। तो हम लोग का खाना पीना हो गया दोस्तों, और अभी काफी रात हो चुका है। देखिए कितना ज्यादा अंधेरा लग रहा है दोस्तों देखने में, ये देखिए कुछ नहीं दिख रहा है एकदम, पूरा सनसून हो गया है। तो अब चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग आराम करेंगे। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं गेट वगैरह, नहीं गेट वगैरह लगाएंगे तो इधर एकदम पूरा दिक्कत हो जाता है, बैल बकरी सब छूटा हुआ रहता है ना तो सब घुस जाता है, इसलिए चलते हैं टाटी को पहले देख लेते हैं लगा है कि नहीं लगा है। देखिए चारों तरफ कितना ज़्यादा अंधेरा लग रहा है दोस्तों, ये देखिए, और देखिए सुनसान कितना ज़्यादा है, ये देखिए कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है एकदम, बिल्कुल शांत लग रहा है। देखिए टाटी लगा हुआ है दोस्तों, देखिए पिताजी शायद लगा दिए हैं, देखिए पूरा एकदम मजबूत से बांध दिए हैं, अभी तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब चलते हैं, खाना पीना तो खा ही लिए हैं, अब हम लोग आराम करेंगे। और देखिए बारिश में कितना ज़्यादा गजार हो गया है दोस्तों साइड साइड में, ये देखिए एकदम इधर झाड़ी हो गया है, उधर भी झाड़ी हो गया है, और देखिए इधर भी झाड़ी हो गया है, चारों तरफ एकदम झाड़ी झाड़ी दिख रहा है एकदम। इस सब को एक दिन कबाड़ना पड़ेगा समय निकाल करके, अभी तो मौका नहीं मिल पा रहा है, देखते हैं किसी दिन हम लोग कबाड़ देंगे। तो आ गए दोस्तों, खाना पीना खा लिए जी अभी ना। हाँ। टाटी बंद है? बंद। खुला नहीं है, सब ठीक है उधर। हाँ इसको लगा देते हैं अब, देखिए इधर से बहुत ज़्यादा मच्छर घुसता है, इसको बंद ही कर देते हैं। चलिए ये दरवाजा भी लगा दिए, अब सब तरफ लॉक हो गया है दरवाजा, है ना जी। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपना अपना जगह पे आराम करते हैं, माँ और पिताजी तो चले गए आराम करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।